और नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइड डाउन एनी टू वीकनेस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन फर्स्ट ऑफ ऑल द यूज ऑफ द वर्ड वी द पीपल ऑफ इंडिया इन द प्रेम्बल इज रोंग जब हम प्रेम्बल पढ़ते हैं ना तो स्टार्टिंग में कौन से वर्ड्स आते न, हैं यही आते ना हम भारतीय लोग कहते जे ये लिखना ही गलत बात थी कारण बताते हैं इस चीज़ का इज़ रॉन्ग बिकॉज द कंस्टीट्यूशन असेंबली विच मेड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वॉज नॉट ए रिप्रेजेंटेटिव बॉडी क्योंकि जो उस टाइम कंस्टिट्यूशन असेंबली थी वो लोगों द्वारा चुनी नहीं गई थी तो फिर वो किस तरफ किस कैसे कह सकते हैं कि हम देश के लोग वो तो पहले ही जैसे कांग्रेस पार्टी के मेम्बर थे उन्होंने ही मिलजुल कर जिस सबदान का निर्माण किया लोगों ने तो उनको चुना ही नहीं था कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली विच मेड द कॉन्स्टिट्यूशन जिन्होंने संविधान बनाया था वो रिप्रेजेंटेटिव बॉडी नहीं थी लोगों द्वारा चुनी नहीं गई थी बिकॉज द मेंबर ऑफ द कंस्टिट्यूशन असेंबली वार नॉट इलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज लोगों द्वारा चुने नहीं गए थे फॉर दिस रीज़न के आप जो कह रहे हैं कि ये संविधान जो बनाया गया है लोगों द्वारा बनाया गया है वी द पीपल ऑफ द इंडिया इट्स रॉन्ग वर्ल्ड एंड सेकेंड द प्रम्बल इज़ नॉन जस्टिस एबल पीछे हमने पढ़ा था कि ये जस्टिस एबल नहीं है जो भी प्रम्बल में वर्ड्स गए हैं जो बात कही हैं सोशलिस्ट की बात कही है ठीक है या ऐसे इकनॉमिक की बात की है जस्टिस की उस चीज़ को आधार बनाकर हम सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा सकते जहाँ गवर्नमेंट को फोर्स कर सकते हैं कि आप जी बात लागू ही करो भाई ऐसे नहीं हो सकता ठीक है क्योंकि वो क्लियर कट कर रहे हैं जी कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है जो प्रम्बल है The preamble is not जस्टिस which means to get the principle enforced, we cannot go to the court. द कोर्ट आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आ गया होगा अगर कोई और भी क्वेश्चन समझना हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो थैंक्स बेटा